नमस्कार और स्वागत है अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में नियुक्ति के ठीक पहले अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा संपन्न कराने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आप यहां पर देखेंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर से प्रदेश की मोहन सरकार से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणाओं के आदेश जारी करने को लेकर सड़कों पर उतरकर अतिथि शिक्षकों ने यहां पर एक विशाल काम कर दी है। पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एकजुट होकर अपने अपने जिला स्तर पर ज्ञापन देकर विभागीय परीक्षा जिस प्रकार से गुरु जी और अन्य संवर्गों की लेकर के उनको स्थायित्व प्रदान किया गया, उसी तरह अतिथि शिक्षकों को भी लाभ देने संबंधी यहाँ पर नियम बनाए जाए जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने उस समय की थी, उनके आदेश जल्द ही जारी किए जाए। चलिए कंप्लीट जानकारी आपके यहाँ, तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट है। 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों ने विभागीय परीक्षा लेने संबंधी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। पूरा अपडेट आपको यहां पर दिखाएंगे। 2024 और 25 में अतिथि शिक्षक वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्कूलों पर जल्द ही काम शुरू करेंगे। उसके पहले संयुक्त अतिथि शिक्षक महासंघ ने कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से अपील की है, उम्मीद है इस पर जल्द कार्रवाई होगी। भिंड से अपडेट है, संयुक्त अतिथि शिक्षक महासंघ भिंड के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं महासंघ के सदस्यों ने ज्ञापन के दौरान कहा है कि अतिथि शिक्षकों के विषय की 30% परिणाम देने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों के लिए स्पेशल आदेश रहता है कि अगर जिस विद्यालय पर वह काम कर रहे हैं वहां पर जो विषय का अध्यापन वह करा रहे हैं उनके विषय में 30 से कम अगर रिजल्ट आया हुआ है तो उनको जब अगला सत्र होगा उस दौरान उनकी नियुक्ति अतिथि के रूप में नहीं होगी, लेकिन सेम कंडीशन होती है जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके लिए कोई भी पनिशमेंट इस तरह का परसेंटेज की बाध्यता नहीं होती है। इसी से अतिथि शिक्षक अंदाजा लगाते हैं कि उनके साथ कितना शोषण किया जा रहा है, जबकि दोनों के काम अध्यापन का ही होता है, चाहे नियमित शिक्षक हों या अतिथि शिक्षक, लेकिन दोनों के लिए नियम अलग अलग होते हैं। वहीं कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 12 महीने की सेवा काल करने और साथ ही 62 वर्ष आयु तक इनका कार्यकाल करने संबंधी उस ज्ञापन में मांग की गई है। इसके अलावा गुरु जी की तरह अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाए, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को गुरु जी की तरह विभागीय परीक्षा लेके लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनकी कई घोषणाओं के आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए जारी नहीं किए गए। फिर उसके बाद वह मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिए गए। अभी वर्तमान में वह केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। वहीं अनुभव के आधार पर अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को गुरुजी, अनुदेशक और शिक्षा कर्मियों की तरह विभागीय शासकीय संस्थाओं से प्रशिक्षित कराया जाए। वहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल के वेतन का भुगतान जल्द किया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भदौरिया, धीरज भदौरिया, घन सिंह रजावत, अनिल चौधरी, सुनील शर्मा, चंद्रकांत शुक्ला, अभिषेक शर्मा आदि तमाम